हमारे देश में कई नेता ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात तो है कि राजनीति की दुनिया में इन नेताओं को महारथी भी कहा जाता है। दरअसल महारथी कहने के पीछे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से इन नेताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, ठीक उसी तरह से इन्होंने राजनीति में भी एक नया इतिहास रचा है। इन्हीं नेताओं में सबसे पहला नाम आता है कांग्रेस नेता शशि थरूर का। शशि थरूर ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो 1975 में विदेश चले गए, जहां उन्होंने टुप्स कॉलेज से फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड कूटनीतिक में ग्रेजुएशन की। सबसे बड़ी बात तो यही कि जब शशि थरूर ने अपनी पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट की तो उसके कुछ समय बाद उन्होंने कई अच्छी जगहों पर काम किया। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं कांग्रेस की युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको बता दें, 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद ज्योतिरादित्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बीए किया। बीए करने के बाद उन्होंने अमेरिका में ही स्टैनफोर्ड कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई की। उसके बाद वो भारत लौट आए और उन्होंने राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की। वहीं अब बात करते हैं कांग्रेस के ही युवा नेता सचिन पायलट। राजनीति में अपनी एक अलग छवि बनाने वाले सचिन पायलट ने भी अपनी ज्यादा पढ़ाई विदेश में की। आपको बता दें, दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद वो भी अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने वार्टन यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की थी। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।